जाके क्लिक कीजिए और हमारे पुराने वीडियो जरूर देखिए। तो आज है हमारे न्यूयॉर्क ट्रिप का डे 3 और आज हम जाने वाले हैं सेंट्रल पार्क। हमने अपने होटल से चेकआउट कर लिया है और हम सबवे के थ्रू जाएंगे सेंट्रल पार्क। तो हम अभी हैं सबवे में और पीछे देखिए यहाँ से जा रही है यहाँ पे मेट्रो, यहाँ की जिसको सबवे यहाँ पे बोला जाता है, दो दो आगे, और हम यहाँ से चढ़ेंगे और सीधा जाएंगे सेंट्रल पार्क। तो मैं हूँ अभी सेंट्रल पार्क के एंट्रेंस में और मेरे पीछे ये बहुत ही सुंदर सा काफ़ी स्टैचू टाइप का है और यहाँ से मैं राइट अगर आप देखें तो यहाँ पे PCR कोविड टेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं न्यूयॉर्क में, तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड टेस्टिंग रखी है जिसका रिजल्ट आपको विद इन 30 मिनट्स आएगा। यहाँ पे बहुत सारे फूड के स्टॉल्स हैं जहाँ से आप जब भी मन चाहे कुछ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे रहते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे कितना सुंदर नज़ारा दिखता है। तो न्यूयॉर्क में एक्चुअली बहुत ज़्यादा आपको चलना होता है तो यहाँ पे काफ़ी सारे रिक्शाज भी अवेलेबल होते हैं, अगर आप चाहें तो उनको रेंट कर सकते हैं और यहाँ पे ले सकते हैं। तो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे रिक्शा स्टैंड्स हैं, तो रिक्शाज आप यहाँ से ले सकते हैं ताकि आपको वॉक ना करना पड़े। तो मैं हूँ खड़ी अभी सेंट्रल पार्क के उस लोकेशन में जहाँ पे पीछे बच्चों के लिए काफ़ी अच्छे पार्क हैं। तो आप जब भी यहाँ आए और आपके साथ बच्चे हैं तो आप इस पार्क में ज़रूर आएँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सही है बच्चों के लिए। सेंट्रल पार्क आप जब भी घूमने आए तो यहाँ पे घोड़ा गाड़ी भी अवेलेबल रहती है जो कि एंट्रेंस में मिलती हैं, आप उसको ले सकते हैं ताकि आप पूरा सेंट्रल पार्क अच्छे से घूम सकें, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। सेंट्रल पार्क में हमारा पहला जो स्टॉप है वो है चाइल्ड्स पार्क। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे काफ़ी फैमिलीज अपना पिकनिक मना रही है, काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं, और सीधे मेरे यहाँ से जो लेफ्ट साइड में है वो है बच्चों के लिए काफ़ी झूले, और हम उसमें सोच रहे कि आरफ को भी बिठाएं क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इन्फेंट एंड टॉडलर झूले भी हैं। सेंट्रल पार्क है वो इस तरीके से बना हुआ है कि यहाँ पे जो भी रोड है वो कर्वी, मतलब सारी की सारी रोड्स कर्वी, यहाँ पे कोई भी स्ट्रेट रोड नहीं है। तो ये एक बहुत ही खास बात है सेंट्रल पार्क के बारे में। आरफ देखो मजा आई, कितना मजा आई, अरे बाबा इतना मजा आए, आजा इतने कपड़े पहन लिए, उसने संभालना ही नहीं जा रहा हूँ खुद को। तो मेरे पीछे जो झूले आप देख रहे हैं ये छोटे बच्चों के, इन्फेंट या टॉडलर के झूले, और हम ट्राई कर रहे हैं कि आरफ को फर्स्ट टाइम यहाँ झूले में बिठाया जाए। आरफ किधर देख रहा है? वो छोटे दूसरे बच्चे को देखने में लगा। छोड़ दो उसे, ऐसे ही झुलाओ एक बार। अरे उसका उसको पता ही नहीं मैं झूला झूल रहा हूँ। तो मुझे लग रहा था कि आरव डरेगा इस झूले में बैठ के, बट नहीं डरा और वो उल्टा इंजॉय कर रहा। और ये झूले काफ़ी सेफ होते हैं छोटे बच्चों के लिए, यहाँ पे आप 6 मंथ से बच्चों को बिठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेफ है, वो इंजॉय करते हैं। तो सेंट्रल पार्क का जो सेकंड स्पॉट है जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, वो मैं खड़ी हूँ आइस स्केटिंग के सामने। अभी तो हमें इस आइस स्केटिंग नहीं मिल रही है, पर अगर आप स्नोफॉल विंटर दिसंबर जनवरी के सीज़न में आएंगे तो यहाँ पे आइस स्केटिंग आपको मिल सकती है और आप यहाँ आके आइस स्केटिंग का मज़ा ले सकते हैं। एरिया में अभी मैं खड़ी हूँ वो है न्यूयॉर्क का सेंट्रल पार्क, और मेरे पीछे जो एरिया है वहाँ पे न्यूयॉर्क बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है। एग्जैक्टली वो सामने का स्पॉट है जहाँ पे वो शूटिंग हुई है। सेंट्रल पार्क में काफ़ी सारे स्पॉट्स है जहाँ पे हम एंजॉय कर सकते हैं, आप पिकनिक मना सकते हैं, एंड देयर आर लॉट मेनी थिंग्स टू डू। तो मेरे पीछे ये जो सुंदर सा आर्किटेक्चर आप देख रहे हैं ये है 1869 का बना, और ये है सेंट्रल पार्क के अंदर, एंड दिस इज़ कॉल्ड बेथेस्डा टेरेस। इसके अंदर फाउंटेन भी है और ये वही जगह है जहाँ पे कल हो ना हो मूवी की शूटिंग हुई है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अंदर घुस के कि ये है कैसा। US में दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल, जो लोकल आर्टिस्ट होते हैं वो अपना टैलेंट स्ट्रीट्स में पब्लिक को दिखाते हैं। तो बेथेस्डा टेरेस में अंदर जाते वक्त आपको ये हॉलवे मिलेगा जिसमें रूफ़ में बहुत ही सुंदर तरीके से पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छा है ये। और यहाँ पे काफ़ी कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं फ्रॉम वेरियस कल्चर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ याद आया आपको ये व्यू देख के?
यहाँ पे हुई है कल हो ना सॉन्ग की शूटिंग शाहरुख खान के साथ। और यहाँ पे सिर्फ कल हो ना हुई नहीं, काफ़ी सारी हॉलीवुड और बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई है। और बेथेस्डा टेरेस से नीचे उतर के आपको एक आर्टिफिशियल लेक मिलेगी जहाँ से बहुत ही सुंदर सीनिक ब्यूटी है। यहाँ पे बोटिंग होती है, काफ़ी सारी डक्स हैं और आप यहाँ पे एक पीसफुल टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। आई होप आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा एंड ना ही सिर्फ आज का बल्कि हमारे सारे न्यूयॉर्क के वीडियोस इस सीरीज़ के पसंद आए होंगे। एंड इफ़ यू लाइक आवर कंटेंट प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और बने रहिए हमारे साथ और ढेर सारा हमें प्यार दीजिए ताकि हम ऐसी वीडियो फ्यूचर में आपके लिए पोस्ट करते रहें।